भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 के दौरान टाटा मोटर्स का पवेलियन भी है। आपने टाटा नेक्सॉन ICNG का वीडियो तो देख ही लिया होगा। यहाँ पर ये है टाटा कर्व। अब जो टाटा कर्व यहाँ पर आप देख रहे हो, ये बेसिकली ऑटो एक्सपो में ऑलरेडी कंपनी ने दिखा ही दिया था। अब यहाँ पर ये जो कर्व है, ऑटो एक्सपो से पहले भी टाटा मोटर्स इस गाड़ी को दिखा चुकी है। टाटा कर्व पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, डीजल इंजन के साथ आएगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक अवतार में भी लॉन्च की जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे क्लोज टू प्रोडक्शन मॉडल है ये, और 4.3 मीटर से थोड़ा सा बड़ा होगा। सीधा टक्कर देगा ह्यूंडई क्रेटा को, स्कोडा कोशाक को, किया सेल्टोस को, मतलब इस सेगमेंट की गाड़ियों को ये गाड़ी सीधा टक्कर देगी। पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, डीजल इंजन के साथ आएगी, साथ ही साथ इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ भी आएगी। जिस तरीके से नेक्सॉन आ रही है और पंच आ रही है, पंच तो खैर पेट्रोल और CNG और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन के साथ देखने को मिलती है। अब इसका प्लेटफॉर्म वैसा बनाया गया है कि इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन भी इसमें दिया जाएगा। अब यहाँ पर ये डिज़ाइन वगैरह आप देख रहे हो, काफ़ी क्लोज टू प्रोडक्शन मॉडल है। देखो यहाँ पर कोई रेडार वगैरह नहीं दिया जा रहा, तो ऐसे में आप ये सोचो कि इसमें एडास लेवल के फीचर्स तो नहीं मिलेंगे। तो अगर प्रोडक्शन रेडी मॉडल में कंपनी देती है तो ऑब्वियसली बात है सीधा सीधा टक्कर देगी ही देगी, क्योंकि क्रेटा में मिलता है एडास लेवल का फीचर, सेल्टॉस में मिलता है, तो ऐसे में ऑब्वियसली बात है वो प्लस पॉइंट होगा इसके लिए भी। बाकी डिज़ाइन वाइज तो नो डाउट टाटा की सभी गाड़ियों में आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। साइड प्रोफाइल भी अगर आप देखेंगे तो साइड प्रोफाइल में आप यहाँ पर देखो ये 18 इंच के व्हील्स हैं। अब कॉन्सेप्ट मतलब क्लोज टू प्रोडक्शन है, तो ऐसे में आप मतलब मान सकते हो कि 18 इंच के व्हील्स कंपनी दे सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि टॉप मॉडल में आपको 17 इंच के व्हील्स ही मिलेंगे। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है, और फ्लश डोर हैंडल्स हैं, मतलब पॉपअप डोर हैंडल्स आप कह सकते हो। कूपेश रूफ लाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, प्रॉपर कूपे रूफ लाइन है। और ये जो कलर है ना, मतलब पियानो ब्लैक फिनिश के साथ ये प्रॉपर डार्क रेड कलर है, बहुत ही सुंदर नज़र आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग्जरी कार ये नज़र आ रही है। रियर प्रोफाइल भी अगर आप देखते हैं तो रियर में भी जो कनेक्टिंग टेल लाइट है बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है, कूपेश रूफ लाइन के साथ प्रॉपर आपको लैम्बोर्गिनी उरुस वाला प्रॉपर फील दे रही है। और कर्व के पीछे लिखा हुआ है 360 डिग्री पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में मिल ही जाएगा, रिफ्लेक्टर्स आपको देखने को मिल ही रहे हैं। बाकी इंटीरियर में भी अगर आप देखोगे तो कोई कनेक्टेड डिस्प्ले नहीं है, लेकिन हाँ जो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है वो काफ़ी बड़ा मिल जाता है, और आपको स्टीयरिंग व्हील वगैरह काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। इसके अलावा रियर सीट में अच्छा खासा स्पेस देखने को मिल जाता है। इंजन इसमें कंपनी नया इंजन देगी, 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन इसमें नया मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको 1.5 लीटर का डीजल इंजन भी आपको नया मिलेगा। बाकी आप बताओ आपको टाटा कर्व जो कि इसी साल लॉन्च होनी है, साल 2024 में लॉन्च होनी है, कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ। साथ ही ये गाड़ी क्या वाकई ह्यूंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, स्कोडा कोशाक, फॉक्सवैगन टैगून और MG की एस्टर, इन सभी को टक्कर देगी या नहीं देगी, ये भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें।